Welcome back, my dear friends. Today we are going to tell you about how to write a English paragraph on Shaheed Udham Singh. Shaheed Udham Singh ji pe dosto aaj hum aapko English mein paragraph writing bata rahe hain. To chaliye video ko shuru karte hain. Bahut hi easy and short mein bata rahe hain dosto. Shaheed Udham Singh ji was one of the great man who sacrificed his everything for the motherland. मदरलैंड मिस दोस्तों होता है मातृभूमि. शहीद उधम सिंह जी एक महान महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. सक्रीफाइस मिस होता है दोस्तों न्यौछावर करना, और सर्वस्व का यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज़ किया एवरीथिंग मिस होता है सब कुछ, मतलब यहाँ सर्वस्व, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. हु वन ऑफ द ग्रेट मैन हु सक्रीफाइस इज एवरीथिंग फॉर द मदरलैंड. उधम सिंह जी वॉज बॉर्न ऑन 26 दिसंबर 1899 इन सुनाम विलेज ऑफ संगरूर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ पंजाब. उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब राज्य में संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था. हिज चाइल्डहुड नेम वॉज शेर सिंह, उनके बचपन का नाम शेर सिंह था. उधम सिंह जी वॉज अ चाइल्ड ऑफ वेरी फियरलेस नेचर सिंस चाइल्डहुड. उधम सिंह जी बचपन से बहुत निडर स्वभाव के बालक थे. फियरलेस मिस दोस्तों होता है निडर, और नेचर मिस होता है स्वभाव. फियरलेस नेचर मतलब निडर स्वभाव के बालक थे. ड्यू टू द लॉस ऑफ हिज पेरेंट्स ऑफ ए वेरी यंग एज हिज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन स्ट्रगल्स एंड ट्रबल्स. बेहद छोटी उम्र में माता पिता का साया उठ जाने के कारण उनका बचपन संघर्षों और मुसीबतों में व्यतीत हुआ. स्ट्रगल मिस होता है दोस्तों संघर्ष करना, एंड ट्रबल मिस मुसीबत. उधम सिंह जी इज अ पैट्रियट एंड हीरोइक एज वेल एज एन आइडियल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. भारतवासियों के लिए उधम सिंह जी एक राष्ट्रभक्त और वीर होने के साथ साथ एक आदर्श भी हैं. पैट्रियोटिक मिस होता है दोस्तों आपका देशभक्त. आइडियल मिस आदर्श होता है दोस्तों. तो उधम सिंह जी इज अ पैट्रियट एंड हीरोइक एज वेल एज एन आइडियल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. भारतवासियों के लिए उधम सिंह जी एक राष्ट्रभक्त और वीर होने के साथ साथ एक आदर्श भी हैं. ऑन 13 अप्रैल 1999 अ मास मीटिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड एट जालियांवाला बाग इन अमृतसर पंजाब. 13 अप्रैल 1919 को पंजाब अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग में एक सामूहिक सभा की स्थापना की गई थी. मास मीटिंग में होता है दोस्तों सामूहिक सभा. इन विच थाउजेंड ऑफ पीपल टुक अ पार्ट ऑफ विच शहीद उधम सिंह जी वाज आल्सो वन, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से शहीद उधम सिंह जी भी एक थे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ सप्रेशिंग The voice of Indians. Interested में होता है दोस्तों सौंपा गया, सौंपना होता है, और suppressing में होता है दबाना. Suppressing the voice of Indians to General Reginald Edward Harry Dyer. अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तानियों की आवाज़ को दबाने का जिम्मा जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर को सौंपा. हु मैस्क्रेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिन्होंने हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया. मैस्क्रेड मिस दोस्तों होता है हत्या करना. एंगर्ड बाय दिस द सन ऑफ इंडिया उधम सिंह थाउट ऑफ टेकिंग अ रिवेंज. इससे खफा होकर हिंदुस्तान के सपूत उधम सिंह ने बदला लेने की सोची. रिवेंज मिस होता है दोस्तों बदला लेना, और एंगर्ड मिस होता है क्रोधित होना, खफा होना. यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया एंगर्ड बाय दिस खफा होकर. उधम सिंह जी सक्रीफाइज हिज लाइफ टू एवेंज द जालियांवाला बाग. मैस्क्रेड उधम सिंह जी ने अपना जीवन का बलिदान जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए अर्पित कर दिया.
यहाँ पे दोस्तों रिवेंज होगा, एवेंज मैंने लिखा है, प्लीज़ इसे आप एक बार यहाँ पे जब भी लिखिएगा तो यहाँ पे आर ई जरूर यूज़ कर लीजिएगा, मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, सो प्लीज़ यहाँ रिवेंज लिखिएगा। उधम सिंह जी सैक्रीफाइज इज लाइफ टू रिवेंज द जालियांवाला बाग मैसक्रेड, उधम सिंह जी जिन्हें अपना जीवन का बलिदान जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए अर्पित कर दिया। द हीरोइक रिवोल्यूशनरी हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन द गैलोज इन लंडन ऑन जुलाई 31st 1940। वीर क्रांतिकारी 31 जुलाई 1940 को लंदन में हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। रिवोल्यूशनरी मिस होता है दोस्तों क्रांतिकारी, और गैलोज मिस जो होता है दोस्तों वो होता है फांसी। Who died on the country was a great revolutionary every year 26 December.